गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, नमस्कार। CIET NCERT के लाइव इंटरेक्टिव सत्र में मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं। आप सभी हमें देख पा रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर, और ये कक्षा है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। दिस सेशन इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड द सेशन इज सोशल साइंस एंड द टुडेज चैप्टर इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी पार्ट 2। And to teach this subject, our today's expert is Shri Sushil Kumar sir. Welcome sir, बहुत बहुत स्वागत sir आपका, नमस्कार। Thank you ma'am, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर है PGT History KV आसनसोल वेस्ट बंगाल से, तो सर बताएंगे इस चैप्टर के बारे में क्या कुछ है इसके अंदर। लेकिन इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, हम आपको बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम किस तरह से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप अपने फ़ोन इस फ़ोन के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर, और यदि आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप उसके माध्यम से भी अपने फीडबैक अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in पर। और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि हमारा एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है G20 से रिलेटेड। वो है, वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. तो इस मैसेज के बाद हम रुक करते हैं अपने सीधे इस सत्र की तरफ, यानी दिस सेशन इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट इज़ सोशल साइंस। और अब हम सर से जानते हैं, सुशील सर से, इस चैप्टर के बारे में, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी पार्ट 2। यस सर, सेशन की शुरुआत करते हैं सुशील सर। थैंक यू वंस अगेन मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स ऑफ PNE विद्या चैनल। Dear students, we are watching today the second session of Lifelines of National Economy. That means we have already completed the first session. So, first of all, we will see the summary of the first session, that what we discussed in the previous session. So, in the previous session, we have discussed the meaning of transport, various means of transport, significance of transport, various types of roadways, significance of roadways. So, let me start with the introduction then. Yes. Bachcho, in the previous session, we have discussed that means of transport, the backbone for the economy of the country. आपने बच्चों देखा होगा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन होता है, रील की होती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी देश की। हमने एक बात भी कहा था, याद होगा, एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ओल्ड का या लेक का वाटर कुछ समय के बाद उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, बट रिवर का वाटर में कभी भी किसी तरह का दुर्गंध या बैड स्मेल नहीं आता, क्योंकि रिवर का वाटर लगातार उसमें फ्लो होता है। दैट इज अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, दैट इज about the economy of a country. When there will be no movement, the economy will be collapsed. और इस movement के लिए transportation system जो है वो सुचारू रूप से काम करेगी, तभी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हमने आगे रखे ये भी डिस्कस किया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, that is classified as three major domains, that is in landways, airways and waterways. And again, landways is itself classified into three transportation modes, that is roadways, railways, and pipelines. We have also discussed various aspects of roadways and what are the significance of roadways. हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से आज भी roadways हमारे देश में रेलवे का इतना एक्सटेंशन हो चुका है, उसके बावजूद आज भी
रोडवेज जो है हमारे देश में रेलवे के ऊपर एज रखता है, इस पे हमने ये डिस्कशन किया। चलिए आज के इस सेशन में हम देखते हैं रेलवे के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पाइपलाइंस के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एयरवेज और वाटरवेज के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैम शुड बी अहेड टुडे। बिल्कुल सर, शुरुआत करते हैं जी रेलवे। बच्चों जब हम बात करें रेलवे जो है लैंड रेज का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड है, पैसेंजर्स को ढोने के लिए भी और फ्राइट को ढोने के लिए, सामानों को ढोने के लिए भी रेलवे जो है सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे के कारण कई तरह की एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है। आज लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, चाहे वो टूरिज्म के पर्पज से हो, बिजनेस के पर्पज से हो, या इवन तीर्थ यात्रा के लिए हो, भारतीय रेलवे ने कई सारी पिलग्रिमेज ट्रेनें भी चलाई और रेलवे के कारण बहुत कम कॉस्ट में और टाइम बाउंड पे लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अगर इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रेलवे सबसे ज्यादा कामगार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखता है, सबसे ज्यादा यूजफुल ट्रांसपोर्टेशन मोड देखता है। इंडियन रेलवे ने भारत के इकोनॉमिक लाइफ को पूरी तरह से बांध करके रखा है, बाइंड करके रखा है बाय एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर। रेलवे के कारण ही आज हमारा जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात करें या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात करें, दिस डेवलपमेंट इज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज ओनली। आज जब हम बात करें तो भारतीय रेलवे जो है सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है। व्हाट इट मींस, रेलवे जो है केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता, केवल टर्शियरी सेक्टर में रेलवे योगदान नहीं देता, इट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। आज रेलवे से सामान ढोने के अलावा, लोगों को डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के अलावा रेलवे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी करता है। हमारे देश में आप देख सकते हैं रेलवे की कोच फैक्ट्रीज हैं, इंजन की फैक्ट्रीज हैं, जहां कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी रेलवे प्रोवाइड करा रहा है और इसीलिए ये भारत की सबसे बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग। इन इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रेलवे, in India, the first railways was laid in 1853 from Mumbai to Thane. And from that time today, now Indian Railway has become fourth largest railway network in the world. 1853 से शुरू हुआ ये सफर, आज हम देख सकते हैं भारत में रेलवे का इतना एक्सपेंशन हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क हम बन चुके हैं और जो है भारत के रेलवे को 16 जोन्स में इट इज डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इन ए कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड विद द टोपोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जब हम रेलवे के एक्सपेंशन की बात करें, उसके विकास की बात करें, तो ये पूरी तरह से वहाँ की टोपोग्राफी पे, वहाँ के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए रेलवे लाइन का एक्सपेंशन देश के सभी भागों में एक समान रूप से नहीं हुआ। हम देख सकते हैं भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवे लाइन का एक्सपेंशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हिली एरियाज, हिली टेरेन या मडी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट पे बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ रेलवे लाइन को बिछाना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ रेलवे लाइन का विस्तार करना बहुत ही मुश्किल है। देख सकते हैं बच्चों रेलवे लाइन का जो एक्सपेंशन है किस तरीके से आज पूरा भारत रेलवे नेटवर्क से एक ग्रिड के रूप में बन चुका है। भारत केवल ऊपर का कश्मीर का हिस्सा अगर आप छोड़ दें और नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं आप रेलवे की डेंसिटी कम देख रही है, लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री बात करें तो पूरा भारत एक ग्रिड के रूप में बन चुका है। पूरे भारत में रेलवे लाइन का एक्सटेंशन इंटीरियर पार्ट भी हो चुका है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द एडवांटेज ऑफ रेलवे, हम देखेंगे आखिर रेलवे से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है। देखिए सबसे बड़ी बात है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट ओनली फॉर द ट्रेवलिंग बट आल्सो फॉर द कैरिंग ऑफ गुड्स।
रेलवे पे ट्रैवलिंग करना बहुत कम खर्चीला होता है। इवन अगर सामानों के ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें तो रोडवेज के कंपेयर में इनका खर्च क्या होता है, बहुत ही कम। सेकेंड, इट इज वेरी कंफर्टेबल इन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। बच्चों, निश्चित रूप से आपने रोडवेज पे भी सफर किया होगा, आपने रेलवे पे भी सफर किया। आपको याद होगा मैंने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था कि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रोडवेज बहुत ही बढ़िया है क्योंकि वो डोर टू डोर डिलीवरी देता है। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की बात करते हैं तो रेलवे से बेहतर जर्नी कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता एट द चीपर रेट। देखिए, सोने की व्यवस्था होती है, स्लीपर्स होते हैं, एसी की व्यवस्था है, जगह जगह पे स्टेशन आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है, एसटीडी कॉल्स की व्यवस्था होती है। इवन इन दिनों भारतीय सरकार ने, भारतीय रेलवे ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि अगर ट्रेन में जहां भी गंदगी हो तो वो आपको तुरंत कॉल करने के बाद ट्रेन की सफाई और हाइजीन के भी पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके बाद यू कैन सी इट कैन कैरी थाउजेंड ऑफ पैसेंजर्स एंड टन्स ऑफ गुड्स एट अ सिंगल टाइम। रेलवे एक ही बार में हजारों पैसेंजर्स को भी ढो सकता है, साथ ही साथ कई टन्स जो कमोडिटीज भी हैं वो ओरिजिन से डेस्टिनी तक पहुंचा सकता है, डिफरेंट सिटीज तक पहुंचा सकता है। इसके साथ ही साथ रेलवे ट्रांसपोर्ट काफी इको फ्रेंडली भी है। हम सभी जानते हैं आज भारतीय रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नेटवर्क पर निर्भर कर रहा है। ज्यादातर ट्रेन जो है भारत की वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है जिसके कारण ये काफी इको फ्रेंडली भी है। इसके अलावा ट्रेन आर जनरली मोर रिलायबल, दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड की तुलना में रेलवे ज्यादा रिलायबल है। अब हर एक चीज के कुछ एस्पेक्ट होते हैं जहां भारतीय रेलवे के कई सारे एडवांटेजेस हैं, तो आज भारतीय रेलवे के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज जो भारतीय रेलवे के सामने है, भारत में एक बहुत बड़ी संख्या है यात्रियों की जो विदाउट टिकट सफर करते हैं, जिससे भारतीय रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान। ऑलरेडी ऑल वी नो द फेयर ऑफ द ट्रेन टिकट इज टू मच लो एंड इवन इन कंडीशन इफ मेनी पैसेंजर्स विल ट्रेवल विदाउट टिकट, सो वी कैन सी how much big challenge it is for the railways in India. इसके अलावा theft and damaging of railway crew, हम देखते रहते हैं, अक्सर शिकायत आती है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं कि अक्सर रेलवे प्रॉपर्टी को कहीं स्ट्राइक हुआ तो रेलवे की कोचेस को नुकसान लगा दिया गया, आग लगा दी गई, रेलवे कोचेस को नुकसान लगा दिया। इसके अलावा अक्सर हम सुनते हैं कि जो गुड्स ट्रेनें होती हैं उनसे सामानों को चोरी कर लिया जाता है। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या इंडियन रेलवे के लिए आज भी बनी हुई है। इसके अलावा इलीगल पुलिंग ऑफ द चेन, हम देखते हैं कि जगह जगह पे क्या होता है, लोग ट्रेन की चेन खींच देते हैं, ट्रेन को अनायास रोक देते हैं, एंड दिस पुलिंग ऑफ चेन इज टोटली इलीगल एंड ऑल्सो कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे। भारतीय रेलवे को इससे भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। एक बहुत बड़ी समस्या जो है इंडियन रेलवे की है वो क्या है, रूरल और हिली एरियाज में अगर हम बात करें तो इसकी जो पहुंच है वो अच्छी नहीं है, वो एक्सेसिबल नहीं। हम जानते हैं टू लेज द रेलवे लाइन इन द हिली ट्रैक्स और इन द मडी ट्रैक्स मच डिफिकल्ट, उन जगहों पे रेलवे लाइन का विस्तार कर पाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है आज जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात कर लें, हिमाचल के बहुत सारे रीजन्स की बात कर लें, वहाँ रेलवे एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने भारतीय इंजीनियर को क्रेडिट दे सकते हैं कि लगातार इन क्षेत्रों में रेलवे लाइन की विस्तार की प्रयास की जा रही है। भारतीय सरकार भी इसके प्रति बहुत गंभीर है और हर जगह को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज फॉर द इंडियन रेलवे इज वॉट, लेट रनिंग ऑफ द ट्रेन स्पेशली इन द विंटर सीजन। बच्चों, विंटर के दौरान अगर आपने ट्रेवलिंग की होगी तो निश्चित रूप से आप परेशान हुए होंगे। आई थिंक कुसुम मैडम आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस कई बार हो सकता है फेस करना पड़ा हो। और ये क्यों होता है, बिकॉज हमारे रेलवे की टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं कर पाई है। इसके कारण विंटर में जो फॉग्स होते हैं उन फॉग्स के कारण
रेलवे का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता, ट्रेनें अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती है राइट टाइम। आइए अब हम लैंडवेज के तीसरे इंपोर्टेंट डोमेन्स दैट इज पाइपलाइंस उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पे एक टेरेन दिखाया जा रहा है प्लेन एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हैं पाइपलाइंस की लंबी श्रृंखला दिख रही है। क्या होता है पाइपलाइंस, किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो आपने देखा इट इज द थर्ड एंड द मोस्ट न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जब पाइपलाइंस की जब शुरुआत हुई थी तो बेसिकली इसके यूजेस बहुत ही लिमिटेड थे। शहरों तक और इंडस्ट्रीज तक पानी पहुंचाने के लिए बेसिकली पाइपलाइंस की शुरुआत की गई, बट नाउ पाइपलाइंस आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड गैस फील्ड टू द रिफाइनरी, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। दैट मींस समय के साथ साथ पाइपलाइंस की यूजेस बढ़े हैं, उनके नेटवर्क में विस्तार आया है। अब पानी के साथ साथ पर्टिकुलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस के द्वारा किया जाने लगा। इवन सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्लरी। स्लरी के रूप में इनको कन्वर्ट करने के बाद पाइपलाइंस में जो है आपको सॉलिड प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्टेड किया जा सकता है। देखिए पाइपलाइंस के एडवांटेज बेसिकली क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज वी कैन सी, इट रिड्यूस द एनर्जी यूजेस इन ट्रांसपोर्टेशन। भारत जैसे देश के लिए मैं कह सकता हूं कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बच्चों आप सभी को मालूम है भारत में कन्वीनियंट फ्यूल जो है पेट्रोलियम और गैसेस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर, इंडियन करेंसी का एक बहुत बड़ा फ्लो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मंगाने के लिए करना पड़ता है, और चूंकि पाइपलाइंस में फ्यूल का यूज कन्वीनियंट फ्यूल का यूज या तो नाम मात्र का होता है या तो नहीं के बराबर होता है। इसीलिए ये जो एनर्जी यूजेस को जो रिड्यूस करता है ये भारत जैसे देश के लिए, हमारे देश के लिए एक वरदान जैसा है, बोल जैसा है। इट इज आल्सो ए सेफर एंड टाइम सेविंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन जो है बहुत ही सुरक्षित भी है और साथ ही साथ समय भी बचाता है। इसके अलावा इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, साथ ही साथ लार्ज कैपेसिटी ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। आप रेलवेज की बात कर लें, आप रोडवेज की बात कर लें, कई तरह के ऑब्स्ट्रक्शन, रोड खराब हो सकते हैं, ट्रैफिक जैम की समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसमें बड़ी से बड़े मात्रा में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बिना किसी रुकावट के हम कर सकते हैं। बच्चों एक बात ध्यान देने की लिए बहुत जरूरी है, देखिए पाइपलाइंस का जो बिछाने में उसको ले डाउन करने में इनिशियल कॉस्ट होता है, दैट इज डेफिनेटली इट इज यू कैन से एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा पड़ता है इसको शुरुआती पाइपलाइंस को बिछाने में। लेकिन एक बार पाइपलाइंस को बिछाने में अगर हम सफल हो जाते हैं, सही तरीके से इसको सेटल कर लेते हैं, देन इसका रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड एट लास्ट वी कैन से सबसे बड़ी दिक्कत है, चाहे वो रोडवेज की बात करें चाहे वो रेलवेज की बात करें, जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस हमने देखा, जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान हमने देखा, जो थेफ्ट की समस्या हमने देखी या डेथ डिलीवरी की जो समस्या हमने देखी, पाइपलाइन इनको चेकआउट करता है, इन पे पूरी तरह से कंट्रोल करता है। बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट पाइपलाइन सेटलमेंट इन इंडिया, आप देख सकते हैं भारत में मुख्य रूप से देर आर थ्री मेजर पाइपलाइंस इन इंडिया। यहाँ इंडिया के मैप में तीनों लाइंस दिखाया गया है, वन इज इन ब्लू, सेकेंड इज इन ग्रीन एंड थर्ड इज इन रेड। तीनों के पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं
किया है, हल्दिया से डिगबोई को जोड़ता है, इसके कई सारे मेजर पॉइंट्स हैं, बरौनी इसमें जुड़ते हैं, जगदीशपुर जुड़ता है, कानपुर जुड़ता है, यानी नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी को ये लाइन जो है मुख्य रूप से जोड़ता है ये पाइपलाइन। बरौनी रिफाइनरी तक इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहुंच पाते हैं, उस रिफाइनरी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल के भारत के देश इशू तक पहुँचाया जाता है। दूसरा मेजर लाइन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन में है, विच इज फ्रॉम हाजिरा टू कोटा, इसके भी कई सारे लाइन हैं, देख सकते हैं हाजिरा के लाइन में आपको विजयपुर, जगदीशपुर, परवाला और कोटा आता है, इसके जो मेजर सेंटर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। रेड लाइन्स में आप देख सकते हैं कई सारे इसके मेजर पॉइंट्स हैं, इट स्टार्ट्स विद द सलाया फ्रॉम द गुजरात एंड एंड अप टू जालंधर, इसके जो मेजर पॉइंट्स आते हैं मथुरा और जयपुर से होते हुए जाता है। सो ये जो पाइपलाइंस हैं डेफिनेटली भारत जैसे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कन्वेंशनल फ्यूल बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली इस पर और काम करने की आवश्यकता है ताकि इसका जो कॉस्ट है और भी रिड्यूस किया जा सके, यहाँ पे जो है जो कन्वेंशनल फ्यूल प्रोडक्ट्स है उसका और सेव किया जा सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड मेजर डोमेन फ्रॉम द अर्थ, दैट इज द वाटरवेज, अर्थ पे पाए जाने वाला दूसरा मेजर टॉपिक। एंशियंट टाइम से ही वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है, और जब हम भारत की बात करें तो प्राचीन काल से ही, एंशियंट टाइम से ही भारत जो है दुनिया भर के देशों से जुड़ा रहा है। वाटरवेज की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होता है। इसके अलावा वाटरवेज जो है हैवी और बल्कि प्रोडक्ट को ढोने के लिए, उसको कैरी करने के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। यही कारण है बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड का जो मैक्सिमम पोर्शन है, लगभग कह सकते हैं आप 95% ऑफ द ट्रेड जो होता है इंडिया का, हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड, वो वाटरवेज से होके ही गुजरता है, क्योंकि ये हैवी बल्कि प्रोडक्ट को भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ट्रांसपोर्ट करने में सक्सेसफुल। इसके अलावा ये फ्यूल एफिशिएंट भी होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहता है। मैंने पहले भी बताया भारत का विदेशों के साथ जो संबंध है, दूसरे देशों के साथ जो संबंध है, वो वाटरवेज के कारण ही पॉसिबल है। भारत के डिफरेंट कोस्ट पे कई सारे सी पोर्ट्स बने हुए, चाहे वो मुंबई की बात करें, गुजरात की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, उड़ीसा में बात करें, कई सारे सी पोर्ट बने हुए हैं जो दुनिया के देशों से भारत को जोड़ने का काम करते हैं। यू कैन सी 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड एंड 68% इन द टर्म ऑफ वैल्यू, देखिए 95% इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 68% है जो समुद्र के द्वारा पूरा किया जाता है। वाटरवेज की जब हम बात करें दो तरीके से कनेक्टेड है, इनलैंड एंड ओवरसीज, जो भारत के इंटरनल पार्ट्स को जोड़ता है, और ओवरसीज जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भारत को डिफरेंट देशों के साथ जोड़ने का काम करता है। आइए हम एक बार इनलैंड के जो मेजर एस्पेक्ट है, जो मेजर लाइंस हैं उनकी बात करते हैं। इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो इनलैंड वाटरवेज में हमारे इंडिया में 5 वाटरवेज वाटर लाइंस को नेशनल वाटर लाइंस बनाया गया, नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया। एक एक करके हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल वाटरवेज नंबर 1, इट कनेक्ट इलाहाबाद टू हल्दिया ऑलमोस्ट 1620 किलोमीटर, देन पास थ्रू द गंगा रिवर, गंगा रिवर से होके गुजरती है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक को जोड़ने का काम करती है ऑलमोस्ट 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज नंबर 2, ये ब्रह्मपुत्र रिवर से ये जो है वाटरवेज गुजरती है जो सादिया और धुबरी को लगभग 891 किलोमीटर को जोड़ने का काम करती है। नेशनल वाटरवेज नंबर 3, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कुट्टापुरमा, कोलाम, उदय गमंडल एंड चंपकारा कैनाल्स को जोड़ने का काम करती है लगभग
205 km. National Waterways number 4. It is specified stretches of Godavari and Krishna River along with Kakinada Puducherry stretch of canal, that is almost 1078 km. ये लगभग 1078 किलोमीटर तक की दूरी को कनेक्ट करता है. And the last, that is National Waterways number 5. It stretches through the Pehmani Rivers and Eastport Canal, that is almost 588 km. बच्चों आप देख सकते हैं इनलैंड वाटरवेज भी भारत को पूरी तरह से कनेक्ट करने का काम करते हैं. हालांकि समय के साथ साथ हम जान रहे हैं जैसे जैसे नदियों के पानी में कमी आ रही है, एक्सेसिव यूज ऑफ रिवर वाटर, जिसके कारण क्या हो रहा है, रिवर वाटर में ट्रांसपोर्टेशन में जो है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कमी आ रही है. हालांकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में भारत की सरकार ने इनलैंड वाटर को वाटरवेज को प्रमोट करने का एक बहुत ही कह सकते हैं प्रगतिशील कदम उठाया है, जो न केवल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा देने में अहम कदम साबित होगा. ये वाटरवेज का जो डिफरेंट है, भारत में जो डिफरेंट सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं, इस मैप के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है. अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज एयरवेज. एयरवेज बच्चों, ऑलरेडी हमने पहले दिन जब ब्रीफ की थी तब बताया था एयरवेज को दो भाग में बांटते हैं, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, और ये दो तरीके से चलता है, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरवेज. भारत में आज के दिन में मॉडर्न डेज में एयर ट्रेवल, एक समय ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, आज ये कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता जा रहा है. आज एयर ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. अच्छी बात क्या होती है, हिली टेरेंस में ऐसे टोपोग्राफीज में जहां रोडवेज का विस्तार करना, जहां रेलवेज का विस्तार करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे जगहों में भी एयरवेज से सफर करना आसान हो जाता है. डेजर्ट एरिया में, डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया में, माउंटेन टेरेंस में, ऐसे जगहों पे भी एयरवे से ट्रेवल करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही टाइम सेविंग का काम भी करता है. भारत में 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया था और एयर इंडिया को नेशनल एयरवेज बना दिया गया, बट लास्ट ईयर अगेन एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन हुआ है और टाटा कंपनी, जिसकी एयर इंडिया पहले हुआ करती थी, टाटा कंपनी ने एयर इंडिया का संचालन फिर से अपने हाथ में ले लिया है. बच्चों, आप एयरवेज का इम्पोर्टेंस इसी से समझ सकते हैं कि आज चाहे वो अंडमान निकोबार का एरिया हो या नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हो, वहाँ पे एयरवेज सबसे सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनता है. बच्चों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पूछते हैं, व्हाई एयरवेज इज मोस्ट प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द नॉर्थन ईस्टर्न रीजन. हमने बताया बच्चों, क्योंकि एक तो समय की बचत बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ वहाँ का टेरेन, वहाँ का टोपोग्राफी ऐसा है कि वहाँ रोडवेज का विस्तार करना भी, वहाँ रेलवेज का विस्तार करना भी बहुत ही मुश्किल है. जी सर. तो साथ ही साथ बहुत ही समय भी लगता है. यही कारण है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एयरवेज सबसे प्रेफरेबल मोड. जी सुशील सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप यहाँ हमारे लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स को आपने आज गाइड करा और इस चैप्टर को समझाया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने नोट्स भी बनाए होंगे साथ के साथ, तो जो काफ़ी मददगार साबित होंगे उनके लिए. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद सर. जी मैडम, धन्यवाद. उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. जी सर. और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं. बिल्कुल. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप अपने फीडबैक, अपने जो सुझाव हैं, आप हमसे साझा कर सकते हैं. और जाते जाते हम एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आपसे साझा करना चाहते हैं. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023.
A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. तो इसी के साथ हमारा ये सत्र ही संपन्न होता है, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जा रहे हैं और ई विद्या पे अभी बहुत सारे और सत्र आने वाले हैं. और अगला सत्र कौन सा है हम आपको उसके बारे में बता देते हैं. आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, ये कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए होगा और आज का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 2 है. तो हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर. नमस्कार.